धुआं हो जाती है। हर ओर दियों की जगमगाहट से मन उत्साह से भर जाता है। हर तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशियां बरसती हैं और इसी खुशी के त्योहार को यानी कि दीपावली को आज हम आपके साथ मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हर एक रंग दिखाएंगे आपको इस त्योहार का। इसमें लक्ष्मी गणेश भी होंगे जिनके बिना ये त्योहार पूरा नहीं होता है। इसमें रंग से रंगोली भी होगी, फूल भी होंगे, सजावट भी होगी और दिए भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस त्योहार में इस जश्न को चार चांद लगाने के लिए मेरे साथ होगी वो आवाज जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालिनी अवस्थी जी की। बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी आपका हमारे साथ। बहुत धन्यवाद और दीपावली की मंगल कामनाएं आपको और आपको समस्त देशवासियों को। दीपावली का त्योहार जी, हर कोई इंतजार करता है बेसब्री से। जब दीपावली का त्योहार नजदीक होता है तो मानो ऐसा लगता है कि बस हर तरफ दीपक जल रहे हैं, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और आपसे तो शायद मैं सवाल पूछ भी नहीं सकती क्योंकि आप तो अपने गीत के जरिए पूरे त्योहार को मना देती हैं। दीपावली का मुख्य बिंदु उत्सव है अपने आत्मियों का, अपने प्रियजनों से वापस पुनर्मिलन। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद इस दिन वापस लौटे थे अयोध्या। 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद माता कौशल्या ने भगवान राम को गले लगाया था। अयोध्या वासियों को लगा कि आज उत्सव है और उस दिन अमावस्या की काली रात थी, तो अयोध्या वासियों ने दिए जला करके इस तरह से स्वागत किया कि ऐसी घनघोर काली रात में भगवान राम जो आए तो रास्ता न भटक जाए। और आज इस प्रतीक्षा की और इस अन्याय की भी काली रात्रि को हम समाप्त करेंगे, एक दिए से उजाले की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ये उत्सव सबसे पहले भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के बहाने सांकेतिक पर्व है हम सभी के लिए, विश्व भर में जहाँ जहाँ हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम साल भर न पहुँच पाए लेकिन दीपावली के दिन हम प्रयास करते हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पूजा करें। तो यानी हम उस उत्सव को देखने वाले हैं अब आपके गीत के जरिए। जब भगवान राम वापस लौटे थे तो किस तरह से लोगों ने झूम कर गाकर उस उत्सव को मैं सुना रही हूँ। बिल्कुल, अयोध्या का हमारे अवध का बड़ा पुराना लोकगीत जिसमें भगवान श्री राम किस तरह से वापस लौट रहे हैं तो क्या गाते हुए उलारा गाते हुए लोगों ने स्वागत किया। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। घरिया है और सरयू लहर लहराए, मोरे राम
बहुत ही खूबसूरत था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मालिनी जी आप जब गाती हैं तो वो समा खुद ब खुद बन जाता है। जब आपका परिचय मैंने करवाया और जैसे ही हमने इस शो की शुरुआत की थी, पूरे हर तरफ सिर्फ दिवाली के रंग ही नज़र आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं, कुछ रंगोली बना रही हैं और फूलों से सजावट जो होती है वो बहुत खास होती है दिवाली के दिन। साथ ही दिए किस तरह से जगमगाते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हर बार इस त्यौहार को नए तरीके से मनाना, ये उत्साह देखने लायक होता है। और जो लक्ष्मी और गणेश जी हैं वो भी विराजमान हैं आज हमारे साथ, पंडित जी भी यहाँ पर हैं जी। तो मैंने देखा, मैंने पहले पहले तो गणपति बप्पा को ही प्रणाम किया, मत्था टेका। और पंडित जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और आप सबको भी इतनी सुंदर रंगोली सब बना रही। मैंने तो गाने के बहाने ही सबसे भेंट कर ली। हमारे साथी कलाकारों का भी स्वागत है यहाँ पर, आज रंग जमाने बैठे हैं। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे भी जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मी पूजन जो है अमावस्या के दिन बहुत महत्व होता है उसका। देखिए, माँ लक्ष्मी के लिए माँ का प्रादुर्भाव हुआ। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में जब निकली तो सब देवताओं ने श्रृंगार किया, सब लोगों ने पूजन किया, सब लोगों ने अपने तरफ से मंत्र से, भाव से, भक्ति से, नृत्य से, कला से, जो मालिनी जी अभी हम लोग को दिखा रही हैं, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। शुक्र धन जिस पे हो ये सब करता है। तो माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ तो स्वाति नक्षत्र था, तुला के सूर्य और तुला के चंद्रमा, तीनों के योग में दीपावली पूजन किया जाता है। एक बात कहूं पंडित जी? जी, तुला राशि हमारी और स्वाति जन्म नक्षत्र हमारा। अरे तो ये तो परम कृपा है, गोविंद की कृपा है ना। क्योंकि देखिए, तुला की जो हम पूजन करते हैं, तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो कला के कारक भी माने गए हैं। बल्कि माँ लक्ष्मी पूजन में विनायक पूजन जो है गणपति को बनाया जाता है, हर मंगलकार में गणपति बनाया जाता है। माँ ने गणपति को बनाया, तो आपके जीवन में दीपावली पूजन हो या कोई पूजन हो, बिना विनायक बनाए, बिना गणपति बनाए शुरुआत नहीं होगा। तो हम गणपति इसीलिए करते हैं कि बुद्धि के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, वैभव के प्रतीक हैं भगवान गणपति, और साथ में माँ लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी का आप उत्सव पूजन मना रहे हैं दीप के द्वारा, तो दीप क्या है? अंधकार से ज्योति जीवन में जो प्रदान कर दे। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संसिदा, ज्योति रूप में माँ भगवती हैं। उसके साथ ये चीज आपको बताएं, गुरुवार के दिन दिवाली पूजन परम सौभाग्य है, भगवान नारायण के भी दिन, नारायण का भी पूजन। तो हम अपने जीवन में लक्ष्मी के साथ नारायण को भी वर्णित करें। अच्छा मालिनी जी, बचपन की तो बहुत सारी यादें होती हैं दिवाली से जुड़ी हुई, आपकी भी होंगी, हमारी भी हैं, सबकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या बचपन की कोई ऐसी याद आपको याद है कि दिवाली के मौके पर आपने कुछ गुनगुनाया हो, और कुछ ऐसी कोई मीठी सी याद? मुझे लगता है कि बचपन की सबसे जो खूबसूरत यादों में है वो माँ के साथ बाजार हाट जाना। दिवाली की तैयारियां अलग होती थी, वो चीनी के खिलौने, शक्कर के, हाँ, खील बताशे साथ लेना, और साथ में घरौंदा मिट्टी के जो आते थे तो वो बनाना, और मोहल्ले में कंपटीशन होता था। टेसू कहते थे उसको? हाँ, नहीं नहीं, घरौंदा जो मिट्टी के होते थे। अच्छा, वो दिए उसमें जला करते थे, उसमें दिए जलाते थे, सबके घर जाकर नेक लेते थे और पैसा लेते थे इसी बहाने। तो किसका, मुझे याद है पहली पहली बार मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, तो वहाँ पहली बार देखा कि ट्रिपल स्टोरी घरौंदा आया। तो हमने माँ से बड़ी जिद करी कि ये थी मंजिला घरौंदा हम लेंगे, क्योंकि हमारा ऊंचे तक दिया। और उसके बाद तीन दिन तक हम शायद सोने ही बस नीचे घर पे जाते थे, ऊपर छत पे उसको सजाया था, और गुड़िया का बिस्तर भी वहीं था, चाय भी वहीं पर पिला दी जाती थी सबको, वहीं पर मेहमान आते थे, बाकायदा दावत होती थी। तो हमें वो इतना भोलेपन का समय था कि वो घरौंदे को देख के लगता था कि हम वाकई वहाँ रहने लगे हैं। अब आपको अगर हम सिर्फ बातों से छोड़ देंगे तो हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाने वाली हूँ जिसमें दिवाली में एक कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना दिवाली अधूरी है। हाँ, उनमें से एक है जुआ खेलना। सब जुआ खेलते हैं, अब ये सबको पता है कितनी बुरी बात है। इस जुए के कारण तो कभी पांडवों ने भी राजपाट उन्हें त्याजना पड़ा। तो एक गीत मैं सुना रही हूँ जो कि दिवाली पर्व के बारे में भी है, लेकिन इस जुए की बुराई से भी कैसे दूर हो और बचें उसका भी जिक्र है। अरे आई ला दिवाली परब उजियार, आई ला दिवाली परब उजियार, अरे मनौल दिवाली के सारा संसार, मनौल दिवाली के सारा संसार, आई ला दिवाली
कारी अमावस की राती अंधियारी रात अंधियारी। पूरे बरस में दीपावली की रात की अमावस्या सबसे घनी अमावस्या होती है। कारी अमावस की राती अंधियारी रे राती अंधियारी। कैला कनेच लक्ष्मी से मनुहार कैला कनेच लक्ष्मी से मनुहार मनौले दिवाली के सारा संसार मनौले दिवाली के सारा संसार मनौले दिवाली के सारा संसार आइला दिवाली परबा उजियार मनौले दिवाली के सारा संसार मनौले दिवाली के सारा सबसे जरूरी बात जुआ न खेला न फेंका रुपया न फेंका रुपया अरे न फेंका रुपया हो हो जुआ न खेला न फेंका रुपया न फेंका रुपया न फेंका रुपया कैला दिवाली में अपन सुधार कैला दिवाली में अपन सुधार मनौले दिवाली के सारा संसार मनौले दिवाली के सारा संसार आइला दिवाली परब उजियार आइला दिवाली परब उजियार मनौले दिवाली के सारा संसार अरे सारा संसार है सारा संसार मनौले दिवाली के 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 दिवाली के सारा संसार हो। क्या बात है, मतलब इस पूरे गीत में वो जो माहौल था वो बन गया यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका भी मन कर रहा है कि आप उठकर रंगोली बनाने लगे। अब देखिए, हम लोग का तो काम सबसे आसान भी है मुश्किल भी है। ये लोकगीतों का काम क्या है, उस भाव को जगाना। बिल्कुल, और वो बिल्कुल जिस भाव ऐसा लगा जाग गया है कि वजह से गीत बने। किसी ने रचा, किसी ने बनाया, किसी ने धुन बनाई, और ये चूंकि इनमें भाव इतना पवित्र है इसलिए हाँ। इन गीतों को जब जब उस धुन में गाया जाएगा भाव अपने आप जागेंगे ही। अब देखिए, जुए की जो बात है हाँ। ये हर घर में ये बड़े परेशान, खासतौर पर स्त्रियाँ पत्नियाँ बड़ी परेशान होती हैं, पति सुनते नहीं मानते नहीं। अब गा कर कोई चीज़ कही जाए जल्दी समझ में आती है, डांट के कही जाए तो बात समझ नहीं आती, इतने बुरी लगे कि और जुआ खेलने लगेंगे। अच्छा, कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और वो इस बात से संतुष्ट भी हैं आप? नहीं, बड़ी खुश हुई मैंने तो हाँ। देखा कि दो चार लोग तो पहली बार चेहरे खिले, ये मन की बात कह दी। एक हमारे कजरी होती है, अच्छा जुआ खेलन बल मुआ आधी रतिया ना, जुआ खेलन बल मुआ आधी रतिया रे बल मामी लल बाजुआरी। ये जो इसमें भाव है कजरी में, उसमें पत्नी यही रोती है कि ऐसा बलमा जुआरी मिला है कि सारा गहना गुरिया सब उधार हमारा चला गया, मैं क्या करूं सखी से कह रही है। तो ये जो भाव है ये एक सच्चाई है समाज की, और दिवाली में तो कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि शगुन होता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो इस वजह से हमेशा लोग उसको एक रस्म बना करके भी खेला करते हैं, जबकि पांडवों का सत्य सबके सामने है। लेकिन इतना सब मुस्कुरा नहीं, पता कोई का दूल्हा या जुआ हुआ खेलता नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तोहफा लाते हैं सब, करवा चौथ में लाए थे कि दिवाली में आता है घर में, और धनतेरस को तो सामान जरूर खरीदा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन चीज? हम लोग के यहाँ मान्य है कि चांदी या पीतल के चीज ले आना चाहिए। हाँ, बर्तन भी तो जरूर खरीदा जाता है। बर्तन ही लेते हैं, जैसे पीतल का हो गया या चांदी का, छोटा ही चीज, ज्यादा बड़ा नहीं, बट लेते जरूर हैं, है ना? बर्तन जरूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगौना, करछी, चम्मच, कढ़ाई। अच्छा, कोई अपना बचपन का गीत याद आया ऐसे में? क्या चीज पे आप बताएंगे तभी तो? ये देखिए, असली कलेक्शन है। बताइए क्या सुनना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, आप जो सुनाना चाहते। लक्ष्मी जी के, गणेश जी के कोनो चीज सुना। अरे लीपे चलनी हो सातो मैया के मंदिरावा, लीपे हो सातो मैया के मंदिरावा, लिपिया उपिया जबा भैनी तैयारिया,
लिपियाओ पिया जाबा भाईनी तैयारिया धाली हली हो मैया हमारो आचार्यवा धाली हली हो मैया हमारो आचार्यवा छोड़ी छोड़ी मैया हो हमारो आचार छोड़ी छोड़ी मैया हो हमारो आचार्यवा अरे ढूंढाता हैं हो मैया से जाके पुरुखवा सुंडाता होइए मैया से जाके पुरुखवा क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या खूबसूरत क्या सुंदर गाया आपने और देखिए यही लोक जो संस्कार गीत हैं लोक गीतों की खासियत है गाता है कि उठाते छह हैं और धीरे धीरे सब उठाते और सब उसमें लीन हो जाते देखिए त्योहार का मतलब ही ये है कि सभी साथ बैठ करके उस प्रसन्नता में शामिल हों त्योहार मनाने का जो उत्साह है और उसके पीछे जो भावना है कि हम पूजन करें एक साथ बैठे और दिए का एक सांकेतिक जो सबसे बड़ा संदेश है दिया जलाना कि जितनी भी कुरीति जितनी अंधविश्वास जितना जीवन में अंधकार है उसे हम तजें उसे दूर भगाएं ये इतना सुंदर हमारे पूर्वज संदेश दे गए हैं दीपावली के माध्यम से और आज समय भी है कि हम भगवान श्री राम को भी याद करें श्री राम को भी याद करते हैं उत्सव को भी मनाते हैं लेकिन दीपावली का दिन ही सिर्फ जश्न के लिए या त्योहार मनाने के लिए नहीं होता बल्कि पांच दिन इनका होता है धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज तक चलता है लेकिन दीपावली जो बड़ी दीपावली है और भाई दूज से पहले आता है गोवर्धन सबसे बड़ा हम लोगों के यहाँ तो बहुत ज्यादा मनाया जाता है बहुत मान्यता होती है इसकी तो अब गोवर्धन की बात आ गई है तो आप समझ ही गई होंगी मेरा कहने का मतलब क्या है जी बिल्कुल गीत सुनाती हूँ आपको मैं बिल्कुल सब झूम उठेंगे इस गीत में गोवर्धन पूजा समस्त आर्यवर्त के लिए समस्त भारतीयों के लिए आत्मसम्मान का पर्व है ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम बार बार सुमिरन करते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व चूर करके ब्रजवासियों के माध्यम से हम सबको ये सिखाया कि अपने हाथ पर विश्वास रखो आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं इंद्र जो नाजायज कर मांग रहे थे उसके लिए मना करो और उस विरोध को करना भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया जब इंद्र ने बड़ा उत्पात मचाया घनघोर वर्षा आंधी तूफान में आकर पूरा ब्रज मंडल हिल गया ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को ही अपनी छंगुलिया पे उठा लिया और उसकी शरण में नीचे आ गए सारे गोप बाल और आज तक गोवर्धन पूजा प्रतीक है कि किस तरह से अन्न की पूजा करनी चाहिए कृषि समाज की पूजा करनी चाहिए आइए सुनते हैं इसी रंग का एक गीत गिरधारी लाल
धरे सिर पर गिरा धरे सिर पर गिर धर गिरा धरे गाना था मालिनी जी, और जिस तरह से आपने समां बांधा उतना ही खूबसूरत आपका नृत्य था, आपका डांस था, इतना खूबसूरती से आपने इसको गाया कि लोग रह नहीं पाए और आपके साथ झूमने को मजबूर हो गए। देखिए उत्सव है हाँ, और मैं जैसा बता रही थी गाने के पहले, और आज के दिन 56 भोग बनते हैं माता अन्नपूर्णा, जिनसे कि बाबा भोलेनाथ ने भी भिक्षा मांगी थी। मैं चाहती हूँ पंडित जी से जरा पूछे हम लोग, माता अन्नपूर्णा जी का भी जो हम लोग बहुत बड़ा बनारस में तो इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं हम लोग, बाबा जहाँ भोलेनाथ विश्वनाथ भिक्षा मांगे हैं माँ के दरबार में कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे पार्वती, हे माँ, हे जगत जननी, इस नगर में आने वाला कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये ना कि पॉकेट में पैसा रहे, भगवती की परीक्षा लें। वरुणा मंदिर 80 घाट जो काशी की महिमा है, उस नगर में कोई भूखा नहीं रहता है। अच्छा मालिनी जी, जब दिवाली का पर्व आता है तो धनतेरस से लेके, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि भाई दूज तक पूरी रौनक रहती है, तो वैसे ही हमने आपके जो गीत हैं उनको सुना, हमने देखा कि जब राम जी वापस आए तो कितनी खूबसूरती से आपने उसका बखान किया, उल्लेख किया अपने गीत के जरिए, और फिर भाई आपने गोवर्धन के बारे में बताया, दिवाली का महत्व उसके ज़रिए बताया, और वो अद्भुत था। लेकिन आखिर में आपने जैसा कि पहले भी कहा था कि हम शुरुआत भी राम के नाम से करेंगे और उसमें जब हम उसका अंत कर रहे होंगे तो भी राम के नाम से करेंगे। हमारे लोकमानस में भगवान राम की महत्ता इतनी गहरी व्याप्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ, उन्हें कहा गया, इतनी गहरी व्याप्त है कि वो किसी भी देवता, किसी भी इष्ट, किसी भी राजा से कहीं अधिक व्याप्त उनकी छवि है जो जनता के बीच में है, प्रजा के बीच में है, कि हमारे राम, हमारे राम ने हमारे राम के साथ, देखिए किसी के साथ भी समाज में जब अन्याय होता है तो ऐसा व्यक्ति यदि वो राजा हो करके भी आम जन के संघर्ष से जुड़ता है, आम जन के दुख से जुड़ता है, जैसे कि भगवान राम शबरी से, केवट से, सबसे जुड़े, वहाँ भी गए तो जहाँ जहाँ पर होते हुए गए आप देखेंगे, यदि चित्रकूट में रहे वहाँ से होकर के आंध्रा, आज तो पूरा राम वनगमन पथ के पूरा मार्ग मिलता है, जहाँ जहाँ गए उन सबको साथ संघर्ष करते गए, संवारते गए, सभ्यता का पाठ पढ़ाते गए, सबको अपने लगे ही राजा नहीं, ये तो हमारा अपना राम है, और इसलिए उनकी विजय या उनकी वापसी सबको अपने अपनी वापसी अपना उत्सव लगता अपना। है आपको एक स्तुति सुनाती हूँ। बिल्कुल शरणं प्रपद्ये
समर साधना रावण से कैसे भिन्न थी, क्योंकि लोक कल्याण के लिए थे और सत्य के साथ थे, धर्म के साथ खड़ी थी। सात्विक तेरी समर साधना, समर एक है महाराधना। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम। सात्विक तेरी समर साधना, समर एक है महाराधना। भय अशांति बीते जगती से, वसुधा फिर निर्भय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम। बोलो राम सीता राम, बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम। शक्ति लोक हितकारी, इसलिए रावण पर भारी। तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसलिए रावण पर भारी। हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना। वसुधा फिर निर्भय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। वसुधा हसे सुधारस पर से, जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो बहुत ही खूबसूरत था, एक अद्भुत था मालिनी जी। शायद ही कोई इस वक्त तो लफ्ज़ भी मुझे वो नहीं सूझ रहा जिससे मैं इस खूबसूरत से गीत की व्याख्या कर पाऊँ या आपकी तारीफ में कोई शब्द में ऐसा बोल दूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने आकर हमारे इस जश्न में चार चांद लगाए हैं, इस त्यौहार के उत्सव में चार चांद लगाए हैं, हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे गीत संगीत और उत्सव के बहाने आपने याद किया और सबके साथ ये उत्सव मनाने का अवसर दिया। तो मालिनी जी के साथ साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस उत्सव में हमारे साथ आए और हमारे इस मंच को आपने भी साझा किया। हम यही कामना करते हैं कि आपका जीवन भी दिए की तरह ऐसे ही रोशन रहे। आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं।